उत्तराखंड वो धरती है जहां का देवता अपना पर्चा दिखाता है। हमारे एक पर्चा की वंदी पूजा, यहां ऐसा देवता नहीं है कि जो चुप रहो। और पूरे देश में और जगह ऐसा है कि भगवान चुप बैठे हो, तुम आरती उतारा वो चुप हो, लेकिन यहां ऐसा देवता नहीं है। यहां तो होती ही पूजा तब है जब देवता अपना पर्चा दिखाता है, और बौखनाथ ने अपना पर्चा दिखा करके उनकी सुरंग को बंद कर दिया और कहा कि अब देखो। और जब पूरी दुनिया के बड़ी बड़ी मशीनें सिलक्यारा में पहुंची और उन्होंने कहा कि हम भी दिखाते हैं बौखनाथ को कि हमारे पास कैसी कैसी मशीनें हैं, और जैसे जैसे वो मशीनें डालते रहे वैसे वैसे उनकी मशीनें सब टूटती रही, और आखिर में फिर से उनको बौखनाग को प्रसन्न करना पड़ा। और जैसे ही बौखनाग देवता प्रसन्न हुआ वैसे ही सुरंग के दरवाजे खुल गए और 41 मजदूर सब बाहर। क्यों प्रथम सिंह जी? इसलिए ये उत्तराखंड की धरती है, यहां जब तक देवता अपना पर्चा नहीं दिखाएगा तब तक पहाड़ के लोग पूजा नहीं करते। यहां का मन की यौम फुर्सत नहीं कि तीन चार हैं, सुबेर भी दिन भी शाम भी पूजा ही कर दे रहा। अरे छंद जो है पाण तो तब कर ला तेरी पूजा, दिखो अपनी पर्ची। अब भारत के न जाने कितने राज्यों में कितने मंदिर होंगे, लेकिन देवता चुप बैठी हो, शांत बैठी हो, लेकिन जैसे ही हमारा पहाड़ शुरू होता है यहां कदम कदम में देवता अपनी पर्ची दिखाऊंगा। जहां एक तरफ सेम नाग राजा है तो दूसरी तरफ बौखनाग है, तो फिर हमारे उत्तर काशी में वासुकी नाग है कि नहीं? दिखाई पर्चा कि नहीं दिखाई, बोलो। योग अंग्रेज थे आयो तक कख तखी सिलक्यार तौन बोली चल, वो भी उठाई तौन कि तू चल और अपने दिमाग लगा। और जब तेरे को दिमाग में रहे फेल हुए थे और तैने भी करी पूजा बौखनाग की, हाँ हम गए जब वहां तब लगा हमको पता, मिले हम उस अंग्रेज से, हमने कहा जी आप यहाँ, बोला महाराज यहाँ का देवता बहुत खौफनाक है, खौफनाक वो था बौखनाग, उसने बोला खौफनाक। जो देवता हमारा बौखनाग है वह बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के लिए खौफनाक बन गया। इसलिए अपने भक्तों के लिए भगवान कितना प्यार से बैठा है, बोलो नहीं है? क्या आनंद आ रहा है भगवान को, बार बार हमारा सिर का ऐंच आशीर्वाद यानो भेंटियानो हम नहीं भेंटियानो कंथे ब्याली खुश होयो हम देखिते नहीं कंथे नाचणो ब्यास ही आएगा तो तौ देखिते अनूठे कौन इतई देखणो तो फुफकार थे मानो। और बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े सब साष्टांग दंडवत प्रणाम, और तब बुलाए पुजारी और तब कराए पूजा। और जब वह बौखना की पूजा तय का बात खुली सुरंग का सारा दरवाजा, और तब निकले वो 41 मजदूर। इसलिए भैया ये देवभूमि है और इस देवभूमि में देवताओं की पूजा होती है, और जिसके ऊपर देवता प्रसन्न हो जाता है उसके ऊपर किसी भी संकट का साया नहीं होता है।
अरे देवता लो देवता तू जानी मेरा मन की बात पहचानी, मेरा हाथ खड़ा कर मेरा देवता लो देवता तू जानी नाचो ना देवता के लिए यार, तुम कैसे नौजवान हो, चलो उठो खड़े मेरा देवता लो देवता तू जानी मन की बात पहचानी, मेरा देवता लो देवता तू जानी मेरा मन की बात पहचानी, मेरा देवता लो देवता तू जानी मेरा मन की बात पहचानी, मेरा देवता लो देवता तू जानी मेरा मन
देवता लो देवता तू जानी मन की बात पहचानी मेरा देवता लो देवता तू जानी मेरा मन की बात पहचानी गुरु दूर से भक्त अनान सिर पल चौल लो नान गुरु दूर से भक्त अनान सिर पल चौल लो नान गुरु दूर से भक्त अनान सिर पल चौल लो नान गुरु दूर से भक्त अनान सिर पल चौल लो नान तेरी जाति रा सुफल कल्याण जाति रा सुफल कल्याण मेरी जाति रा सुफल कल्याण मेरी जाति रा सुफल कल्याण मेरी जाति रा सुफल कल्याण जाति रा सुफल कल्याण मेरी जाति रा सुफल कल्याण मेरी जाति रा सुफल कल्याण लो देवता तू जाने मेरा मन की बात पहचाने मेरा उठने से लेकर के और सोने तक जो व्यक्ति अपनी दिनचर्या को धर्म युक्त करता है वही असली धर्मात्मा होता है। समझ रहे? वही तो है धर्मात्मा, जिसके हर कर्म में धर्म हो। धन कमा रहा है लेकिन धर्म युक्त कमा रहा है, गरीबों का खून चूस चूस करके और तब धन कमा करके और तब बहुत बड़ा मंदिर बना रहा है, वो धर्मात्मा नहीं हो सकता है। मत कर दान, कौन बोलता है तुझे दान करने के लिए? मत बना उस मंदिर को, कौन बोलता है तुझे उस मंदिर को बनाने के लिए? लेकिन एक गरीब व्यक्ति है जिसके पास इतना धन तो नहीं है, लेकिन ना बनाए वो गरीब व्यक्ति मंदिर, परमात्मा उसकी ईमानदारी से वैसे ही प्रसन्न हो जाएगा, वैसे ही खुश हो जाएगा। क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिस व्यक्ति को इसका ज्ञान हो गया है वही तो धर्मात्मा है। हमारे यहां तो विवाह तक धर्मयुक्त है। पशुवत जीवन नहीं हमारा, धर्मयुक्त है। विदेशी संस्कृति को देखो, उनके लिए विवाह क्या है? दो शरीर मिले, सामान्य जीवात्मा पैदा होती है। लेकिन भारत को हमारे यहां विवाह भी एक अनुष्ठान के रूप में किया जाता है। ब्राह्मणों को बुला करके वेद मंत्रों के माध्यम से और फिर दो पवित्र आत्माओं का दिव्य मिलन जब होता है तब इस धरती पर राम और कृष्ण का जन्म होता है। होता है कि नहीं होता है? बोलो। गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार तक सब संस्कार है, सब धर्म है। मनुष्य जीवन धर्म के लिए मिला है, बस। धर्म युक्त जीवन जिसको जीना आ गया, धर्म में मरना आ गया, वो धर्मात्मा है। और जिस व्यक्ति ने धर्म युक्त जीवन नहीं जिया वो 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा। ये लिख करके ले जाना आप अपने डायरी में। तो कोई भावुक माता ने कहा है, हमसे एक जगह पूछा प्रश्न कि महाराज जी जिस प्रकार से ब्राह्मण लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं हम नहीं कर पाती हैं, हम नहीं संस्कृत बोल पाती हैं, कितने कठिन कठिन श्लोक हैं। ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नाम
यन्न कस्तदाख्यातम तम्मे गुहितामः अस्ति गुह्यतमं विप्रा सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तक्षणस्व महामुने प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिदा उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निरादयमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरुणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताश्रणं गता। कठिन है तो उस माता ने कहा महाराज जिस प्रकार से ब्राह्मण लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं जो फल उनको प्राप्त होता है वही फल हमको भी प्राप्त हो ऐसा क्या करें। तो हमने कहा तुलसीदास जी की रामचरितमानस की ये चौपाइयां गा लेना जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी और इतना बोलते ही भगवती जगदम्बा कुल देवी तुम पर प्रसन्न हो जाएगी। याद रहेगा तुम्हें याद बोलो जय 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 गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी। और इस चौपाई को जैसे ही तुम गाओगे भगवती जगदम्बा प्रसन्न हो जाएगी। और गजब हो गया सीता जी ने जब अपनी कुल देवी के सामने ये चौपाइयां गानी शुरू की जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय गज बदन सडानन माता जगत जननी दामिनी दुति गाता। और देखते देखते बोला जो मूर्ति थी पत्थर की मूर्ति उस पत्थर की मूर्ति से फूल नीचे गिर गया और केवल फूल ही नहीं गिरा जो मूर्ति थी वह मुस्कुराने लगी और हंसते हुए कहने लगी बोल सीता क्या चाहिए तुझे। बोला माता बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। बोला क्या। बोला मैंने जिसको पसंद किया है। बोला किसको पसंद किया है। बोला राम को पसंद किया है। तो बोला फिर चक्कर क्या है। बोला मेरे पिताजी मेरे विवाह के लिए स्वयंवर रख रहे हैं और पूरे देश और दुनिया से बड़े बड़े राजा लोग आ रहे हैं उस धनुष को तोड़ने के लिए और जिसको मैं पसंद कर चुकी हूं वह राम तो फूल तोड़ते हुए उसको पसीना आ रहा है। तो भगवती शक्ति ने कुल देवी ने कहा चिंता मत कर बेटी मैं तो शक्ति हूं। क्या है। अरे भगवती किस रूप में। शक्ति के रूप में। अरे बोला जिस पर मैं प्रसन्न रहती हूं जो तू चाहेगी वैसा ही होगा बस मेरी जो शक्ति होगी वो तेरे आंखों में होगी। इसलिए भगवती ने शक्तिपात कर दिया और सीता जी की आंखों में भगवती की शक्ति चली गई। और भगवती ने कहा गौरी ने कहा तू अपनी आंखों से उस धनुष को देखते रहना टकटकी लगा करके अपनी आंखें मत हटाना वहां से देखते रहना। धरती का बड़ा सा बड़ा राजा भी आ जाए वह भी उस धनुष को तोड़ नहीं पाएगा। इसलिए सीता जी की नजर किस पर है धनुष पर। और जितने राजा आए किसी में इतनी ताकत नहीं कि वो धनुष को तोड़ सके और आखिर में 10,000 राजा मिलकर के भी उस धनुष को तोड़ नहीं पाए थक हार करके बैठ गए तब उठा रहा। और जैसे ही हमारे भगवान श्री राम उस धनुष के पास पहुंचे और राम जी को देखते ही सीता जी की नजर धनुष से हट गई और राम पर पड़ गई। और जैसे सीता की नजर राम पर पड़ी वैसे ही राम जी ने धनुष के दो टुकड़े करके धरती पर गिरा दिए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। जगत जननी जगदम्बा। अस्तुत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज
वा परौ तो यनिधीवगायः स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः। इसलिए हर व्यक्ति का अपना एक इष्ट होना चाहिए। जिसके प्रति हमारी अनन्य निष्ठा हो, जिसको हम खड़ा करें कि भाई खड़ा हो। इसलिए विपदा के समय हमारा भगवान ही हमारे सामने खड़ा हो सकता है। इसलिए द्रौपदी ने वो कहानी सुना दी, किसको? अपनी बहू को, उत्तरा को। भरी सभा में दुष्ट दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने जब मेरी साड़ी खींचनी शुरू की तो पांच पांच मेरे पति वहां थे विराजमान। और मैंने कहा कि हे पांडवों, तुम्हारे होते हुए और ये दुष्ट मेरी साड़ी खींच रहा, उठो खड़े, बचाओ मेरी लाज। तो क्या बचाई पांडवों ने लाज? हाँ ना, कुछ तो बोला नहीं। सोचो, अरे पत्नी की ताकत कौन होती है? पत्नी, जब उसका पति उसके साथ रहता है तो कोई उसकी तरफ कुदृष्टि से नहीं देख सकता। लेकिन देखो तो पांच पांच पति और वही है, और उसके बावजूद भी पत्नी की साड़ी खींची जा रही है। लेकिन द्रौपदी ने कहा कोई बात नहीं, इस सभा में और भी है, बड़े बड़े आचार्य हैं जिनके पांडाल लाखों रुपए लगाए जाते हैं। ऐसे ऐसे आचार्य, द्रोणाचार्य, जो अपने प्रवचनों में नारी रक्षा की बात करते हैं, और ऐसे आचार्य सभा में बैठे हैं। और तुरंत द्रौपदी ने हाथ जोड़े और कहा, आचार्य जी प्रणाम, पहचान रहे हो मुझे? मैं एक अबला हूं, मैं एक नारी हूं, इस नारी की रक्षा करो ना। आपके प्रवचन में मैं कई बार वहां शामिल हुई थी। तो क्या द्रौपदी की रक्षा द्रोणाचार्य जी ने की? हाँ ना बोला, नहीं की। तब किस पर नजर गई? भीष्म पर, भीष्म दादा पर। तो द्रौपदी ने कहा, दादाजी तुम तो रिश्ते के भी दादा हो, उम्र में भी दादा हो और ताकत में भी दादा। तुम्हारे साथ तो हमारा तीन तीन जगह से जुड़ाव है, तुम तो मेरी रक्षा करो। मैं मानती हूं कि मेरे पति मेरी रक्षा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने मुझे जुए में हरा दिया है। मैं मानती हूं कि द्रोणाचार्य जी मेरी रक्षा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि द्रोणाचार्य जी दुर्योधन का अन्न खाते हैं। लेकिन दादा तुम तो दुर्योधन का अन्न नहीं खाते हो, तुम तो सत्ता से नहीं जुड़े हुए हो। तुम्हारा क्या लेना देना सत्ता से? तुम ठहरे ब्रह्मचारी, गंगा का जल पीने वाले, तुम्हारा तो किसी से कोई संबंध नहीं है, तुम्हें किस बात का भय? दादा ने अपनी गर्दन झुका दी। दादा ने कहा, बेटा अन्न तो नहीं खाता, लेकिन जिस भवन में रहता हूं दुर्योधन ने तो दे रखा है। आज की भाषा में अगर कहा जाए कि सरकारी क्वार्टर, सरकार का अन्न खाने वाला व्यक्ति कभी भी सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता है। इसलिए भीष्म दादा भी चुप हो गए। तो अब ये बताओ, क्या वहां कोई ऐसा था जिसने द्रौपदी की रक्षा की? बोलो कौन था वो? कौन बनेगा करोड़पति? जल्दी बताओ, है जोर से बोलो। कृष्ण, अरे वाह, मानना पड़ेगा वैसे हीना के लोगों,
हीना में भी हमको जवाब, कई जगह तो मिलता ही नहीं जवाब। वाह जी तालियां बजाओ। हाँ हम इन कहानियों का मट्ठा लगा रहे हैं नहीं, मंथन जो कृष्ण लीला होती है उसी की तो मट्ठा लगा रहे हैं हम, उसको मंथन कर रहे हैं। ठीक है, तो कृष्ण ने लाज बचाई। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कृष्ण पर तब हुआ भरोसा जब इनसे भरोसा टूटा, यही मतलब तो है। जब तक व्यक्ति संसार के लोगों पर भरोसा करता है तब तक भगवान गुप्त रहता है, बोलता है ठीक है देखते हैं कि इनकी सहायता कौन कौन करता है ना। लेकिन जब व्यक्ति संसार से धोखा खा जाता है और संसार के लोग उसका भरोसा तोड़ देते हैं, तब जब उसको परमात्मा पर भरोसा होता है तब भगवान उसके भरोसे को जिंदा रखने के लिए उसका भरोसा मरने नहीं देते हैं और उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। इसलिए द्रौपदी के सामने द्रौपदी के भरोसे की लाज रखकर और रोते हुए जब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा और कहा द्वारिका वासिन कृष्णा, द्वारिका वासिन सिलक्यारा में जब वह टनल बंद हुई पूरी ताकत लगा दी थी